नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, तो शुरू हो गई है दूसरे चरण की वोटिंग। जी हाँ, सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। तो 38 जिलों में दूसरे चरण के लिए वोटिंग डाले जाएंगे। 6,929 पदों के लिए मतदान जारी होंगे। तो चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव पर नगर नगर पर न्यूज इंडिया की नजर रहेगी। निकाय का दूसरा रण गांव पर 7 निगम है, 9 मंडल है, 38 जिलों में मतदान होने हैं। नगर के नायक के लिए वोटिंग होगी, शहर की सरकार के लिए वोटिंग होनी है। आपको बता दें 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत अब देखा जाए तो शुरुआत हो चुकी है और अब लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है, वोटिंग लगातार जारी होगी। पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, ये वही स्लोगन है जो पहले चरण के लिए रखा गया था। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद ही आप जलपान ग्रहण करेंगे। तो यूपी निकाय चुनाव के लिए रण तैयार हो चुका है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 2 चरणों में चुनाव हुआ और पहले चरण के मतदान के बाद आपको बता दें कि आज अंतिम चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर लोगों के आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। तो पहले चरण की बात कर ली जाए तो 4 मई को पहले चरण का मतदान हुआ था, आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग डाली जानी है। इस बाबत आपको बता दें कि 13 मई को निकाय चुनाव के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो आपको बता दें कि निकायों का जो कार्यकाल है वो 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच खत्म हो गया था। निकाय चुनाव का गणित क्या है, इसको भी हम लगातार समझने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान जारी है। दूसरे फेज में 9 मंडल के 38 जिलों की 7 नगर निगम, 95 नगर पालिका, 267 नगर पंचायत पद और पार्षदों सीटों के लिए चुनाव है। देखिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी की खास रिपोर्ट। यूपी के 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए वोटिंग जो है वो आज डाली जा रही है। गाजियाबाद के संजय नगर पोलिंग बूथ पर हैं और यहाँ पर भी जिस तरीके से पूरी तैयारियाँ जो हैं वो कर ली गई है, क्योंकि खासतौर पर गाजियाबाद की बात करें तो ये एक बीजेपी का गढ़ रहा है। 1996 के बाद लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आई है, लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो बीजेपी का समाजवादी पार्टी RLD और आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे है। इसके अलावा बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी मुकाबला देखा जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो दूसरे चरण का जो मतदान आज हो रहा है उसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पर सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी की देखी जा रही है। दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। इसके अलावा 700 पर बात करें तो गाजियाबाद के अंदर 4 नगरपालिका क्षेत्र आते हैं जहाँ पर पूरी जो टक्कर है वो देखी जा रही है। इसके अलावा बात करें तो गाजियाबाद में जो महापौर के लिए मतदान हो रहा है उसमें अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो सुनीता दयाल जो हैं उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि पिछले अगर हम साल की बात तो आशा शर्मा जो थी वो यहाँ से महापौर थी, लेकिन इस बार अगर हम तस्वीरें थोड़ा सा मेरे कैमरा पर्सन अंदर के दिखाएंगे कि वहाँ पर जो मतदान है वो अब शुरू हो गया है और धीरे धीरे बात करें तो गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये संजय नगर की तस्वीरें हैं पोलिंग बूथ की। यहाँ पर भी जो नरेंद्र कश्यप हैं यूपी सरकार के मंत्री वो यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुँचेंगे, लेकिन सीधे तौर पर सुबह की तस्वीरें हैं। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा तो पोलिंग बूथ पर जो लंबी लंबी कतारें हैं वो भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिन 38 जिलों में आज वोटिंग हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है वो गाजियाबाद भी है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर बीजेपी की टक्कर जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी और RLD के जो जोनों के समर्थन में जो उम्मीदवार हैं उनसे देखी जा रही है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें खासतौर पर यूपी के जो 38 जिले जिन पर आज वोटिंग हो रही है वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो काफी हावी रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। तो चलिए, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं, चलिए उनसे जायजा लिया जाता है। हमारे साथ नमित वासा जुड़े रहे हैं, गाजियाबाद से विवेक तिवारी हैं, अयोध्या से राहुल भदौरिया होंगे, कानपुर से मनीष और झंडोरिया होंगे, हापुड़ से। सबसे पहले नमित मैं आप ही के पास आ जाती हूँ, आपकी रिपोर्ट मैंने देखी है। अब देखिए 7 बजे का मतदान जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिलहाल पोलिंग बूथ का नजारा क्या देख पा रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल संजय नगर पोलिंग बूथ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह के वक्त में हालांकि लोगों का ये पहले मकसद रहता है कि पहले हम अपना वोट कास्ट करें उसके बाद बाकी काम करें। यहां से ये जो रास्ता है पोलिंग बूथ के लिए जाता है और धीरे धीरे जो लोग हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। देखिए वोट कास्ट करने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं वोट डालने। हाँ जी, क्या मुद्दे इस बार आपके जहन में, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कास्ट? हमें सबसे ज़्यादा तो जो है बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है हमारे यहाँ पर, जो बंदरों का आतंक है ये खत्म होना चाहिए। बाकी तो सब पार्षद सब सही कर काम होते हैं, पर जो मेन दिक्कत है फिर बंदरों की बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ये समस्या हल हो जाए में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बंदरों की यही सही कह रहे हैं। कितनी उम्र है? बेटा है, मेरी उम्र है 75 की। अच्छा, तो पहले ये सोचा कि पहले वोट डाला जाए फिर बाकी काम किया जाएगा? हाँ, पहले वोट तो डाल ही दे, बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा। चलिए देखिए, पहले मतदान और फिर जलपान, ये जो कहावत है वो यूं ही नहीं कही जाती क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनका ये मकसद है कि सबसे पहले वोट कास्ट किया जाए, बाकी काम फिर बाद में। हालांकि अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर 1996 से बीजेपी का कब्जा रहा है, लगातार जो बीजेपी के मेयर हैं वो यहाँ से बनते रहे हैं, लेकिन इस बार अगर हम मुकाबले की बात करें तो समाजवादी पार्टी RLD और आज़ाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे मुकाबला जो है वो बीजेपी का देखा जा रहा है। बीजेपी की तरफ से सुनीता दयाल जो है वो चुनावी मैदान में है। इसके बात करें तो गाजियाबाद के अंदर 4 जो नगरपालिका क्षेत्र हैं उनके लिए भी वोटिंग हो रही है, लेकिन मेन जो मुकाबला है वो यहां पर समाजवादी पार्टी RLD और आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे बीजेपी की टक्कर है। इसके अलावा जो बसपा से निसारा खान उम्मीदवार हैं उनकी भी टक्कर है। वोट डालने के लिए पहुंचे आप भी? जी। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हो आप वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दों पे। विकास हुआ है 5 साल में? नहीं सर, यहां पे कोई विकास नहीं हुआ 5 सालों में। क्या बदलाव चाह रहे हैं? जी जी, बदलाव चाह रहे हैं। देखिए बदलाव जो है वो दीपिका यहाँ के लोग चाह रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 5 साल में विकास नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर इस बार बदलाव को लेकर वोट डालेंगे। और सीधे तौर पर जो बिल्कुल नगर निकाय के चुनाव जो होते हैं इनके जो मुद्दे होते हैं वो सीधे सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, इसलिए जनता बदलाव भी चाहती है यदि उनको अपने तमाम समस्याओं का समाधान होता नहीं दिखता। आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी। विवेक तिवारी अयोध्या से मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, जरा अयोध्या का हाल बताइए, क्योंकि अयोध्या का कायाकल्प हमने बहुत देखा है पिछले कई सालों में, तो अभी क्या स्थिति वहां पे नजर आती है, क्या जनता चाहती है वहां की? देखिए अयोध्या की बात करें तो जैसा सबको पता है कि संघ और VHP की ये प्रयोगशाला है अयोध्या में और भारतीय जनता पार्टी का किला है जी। मेयर के तौर पर अयोध्या नगर निगम का ये दूसरा चुनाव है, इससे पहले 2017 में पहली बार हुआ था और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहां से चुना गया था। इस बार की स्थिति थोड़ी दूसरी है, बीजेपी ने अपने सिटिंग मेयर को ड्रॉप करके गिरीशपति त्रिपाठी को अपना यहां से प्रत्याशी बनाया है। उनका ये पहला चुनाव है, जाहिर बात है कि उनके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। समाजवादी पार्टी उनके मुकाबले में है, क्योंकि पिछले वाले इलेक्शन में ज़्यादा मार्जिन नहीं था इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। और आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार यहां का दौरा इस चुनाव के दौरान कर चुके हैं, जबकि बाकी जगहों पर उन्होंने एक एक नमित के पास तो मैं जाती हूं। नमित, इस वक्त आप किसी से चर्चा करें, जरा रुकिएगा आप, यहां बताइए नमित, ओवर टू यू। सरकार के मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए संजय नगर पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, मीडिया से रूबरू हो रही हैं। कुछ देर के बाद हम भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा था कि अब लोगों की कतारें जो हैं वो यहां पर पोलिंग बूथ पर लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग जैसे जैसे सूरज जो है वो आगे बढ़ेगा, सूरज की रोशनी आगे बढ़ेगी, जो पोलिंग बूथ पर भीड़ है वो भी आगे बढ़ेगी। हम थोड़ी देर में नरेंद्र कश्यप जी से भी बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर इस बार वो वोट कास्ट करें और क्या मुकाबला जा रहा है। ठीक है नमित, वापस लौटूंगी आपके पास। तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जरा हाल ले लेते हैं। राहुल भदौरिया कानपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल, जरा कानपुर का हाल बताइए, इस वक्त कानपुर की जो जनता है वो क्या चाहती है, किस तरीके से लोगों में उत्साह देख रहे हैं, क्या लोगों की शिकायतें सामने आ रही है? राहुल, बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि कानपुर में आज 110 वार्डों के नगर निगम यानी पार्षद के चुनाव होने थे, एक मेयर सीट के चुनाव होना है और 3 जो है नगर पालिका और नगर पंचायत की सीटें हैं उनपे चुनाव होना है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कानपुर का एक बूथ है, जिस देखिए आप, ये शत्रुघ्न सिंह बालिका इंटर कॉलेज करके बूथ है, कुल मिला के इस पे 8 बूथ बनाए गए हैं और आप देखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी चूक करने के लिए जो है किसी तरीके से प्रशासन तैयार नहीं है। देखिए आप, प्रशासन भी अलर्ट मूड पे है, बूथ के ठीक बाहर जो है वो BLO बैठाए गए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके से जो मतदाता है उनको कोई समस्या ना आए, अगर किसी की कोई वोट ढूंढने में समस्या आती।
बूथों पे किया गया है। लोग हाँ। वोट डालकर भी आ रहे हैं और लगातार जो अंदर वोटिंग है वो जारी है। लेकिन राहुल जरा ये भी बताइए, कल बीते दिन हमने देखा था रात में गोली मारकर व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, 7 लाख रुपए लूट के लुटेरे भाग गए थे, इसको लेकर भी अलर्ट पर रखा गया होगा कानपुर को, इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या इससे मतदान प्रभावित होगा, क्या माने? दीपिका, जिस तरीके से पोलिंग के ठीक पहले यानी आज मतदान होना था, कल रात में एक ये बड़ी विभत्स घटना कानपुर में हुई। एक व्यापारी को सरेराह गोली मारी जाती है और उसके बाद उससे 7 लाख रुपए की लूट करी जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव में अड़ंगे डालने की जो संभावनाएं थी वो थी। लेकिन प्रशासन तत्काल अलर्ट मोड पे आता है, कानपुर के सीपी हो चाहे ज्वाइंट सीपी हो मौके पे पहुंचते हैं और पूरी तरीके से कुल मिलाकर देखा जाए चुनाव इससे प्रभावित नहीं होगा, पुलिस अपना काम करेगी और निर्वाचन आयोग अपना काम करेगा। चलिए, मनीषा डिंडोरिया भी मेरे साथ हापुड़ से जुड़ रही हैं। मनीषा, जरा हापुड़ का हाल बताइए, क्योंकि हापुड़ का क्षेत्र कहा जाता है हापुड़ हो गया या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जितना बेल्ट होता है वहां पर समस्या कुछ ज्यादा ही रहती है, तो फिलहाल यहाँ की जनता क्या महसूस कर रही है इस वक्त? मनीषा जी, बिल्कुल दीपिका, हापुड़ की नगर पालिका परिषद पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। यहाँ पर ये पोलिंग बूथ है, वोटिंग अभी शुरू हो चुकी है, अभी सुबह का समय है तो लोग काफ़ी कम हैं अभी यहाँ पर यह है कि जितने लोग हैं अभी वोट डालकर अंदर से निकल रहे हैं बाहर, अगर जैसे ही बाहर आएंगे तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी। यहाँ से अनुसूचित जाति महिला की जो सीट है वो निकाली गई है, जो कि 1995 से लेकर अभी तक 5 बार अनुसूचित जाति महिला की जो सीट है वो यहाँ पर पक्की रही है। एक बार हुआ था जब जनरल सीट से जो है कैंडिडेट खड़ा हुआ था, लेकिन हर बार जो है अनुसूचित जाति महिला की सीट जो है यहाँ से आरक्षित रहती है, और इस बार भी देखिए वही हुआ है, क्योंकि समीकरण में बदलाव हो रहा है और इस बार लोगों को उम्मीदें थी कि जब यहाँ पर जनरल सीट से कैंडिडेट था तो जो लोग थे उनको उम्मीदें थी कि इस बार भी आरक्षण की सीट जो आएगी वो अनुसूचित जाति महिला की आएगी, तो अभी वही हुआ है, समीकरण में थोड़ा बदलाव हुआ है तो लोग थोड़े खुश हैं। हापुड़ में अनुसूचित जाति महिला की सीट है, तो अभी लोग अगर आते हैं तो मैं उनसे बात करूंगी और जानने की कोशिश भी करूंगी कि इस बार हापुड़ की जनता क्या चाह रही है, कितना बदलाव वो हापुड़ में चाहते हैं। ठीक है, अरुण जायसवाल बरेली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जरा बरेली का हाल बताइए, वहां की जनता क्या चाहती है और आज का दिन बेहद खास। जी दीपिका, मैं इस समय बूथ केंद्र पर खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुबह से लोग जो हैं आ चुके हैं और लाइनों में लग चुके हैं। मैं अगर बात करूँ 7 बजे तो 7 बजे पहला वोट यहाँ पड़ चुका, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर लोग आकर इकट्ठा होगा। और बरेली की जनता की अगर मैं बात करूँ, बरेली की जनता इस बार विकास के मुद्दों पर बात करना चाहती है, विकास के मुद्दों पर अपना वोट देना चाहती है। और मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बरेली की जनता इस बार वोट कर रही है। आइए मैं आपसे यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति खड़े, मैं इनसे बात करता हूँ, यही के नागरिक है। आखिरकार आपने वोट दे दिया, अपना वोट दिया है वो किन मुद्दों को देखकर, विकास प्रत्याशी चुना है वो विकास करेगी। बरेली की जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर वोट करना चाहती है। और यहाँ देखिए एक आप भैया आप वोट देख रहे हैं, इस बार जो आपने वोट दिया है वो क्या सोच कर दिया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं इनको नजर में रख के आपने वोट दिया है? सकता मैं सही कि लोग बिल्कुल, देखिए अरुण, हम देख पा रहे हैं कि बहुत सुखद तस्वीरें हैं ये, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा पहले से ही लगना शुरू हो गया है, और यूं कहें कि 7:15 हुए हैं और इससे पहले जो बरेली की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही सुखद है, और ये हम चाहते हैं। न्यूज इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप जलपान बाद में करें, लेकिन सबसे पहले आप मतदान जरूर करिए। विवेक अयोध्या से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, देखिए हम लगातार चर्चा यही कर रहे थे कि अयोध्या का कायाकल्प होते हुए हमने देखा है, लेकिन यदि हम सड़कों की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं जिसे सीधा सरोकार जनता रखती है, क्या यहाँ पर अयोध्या की जनता उतना सुखद महसूस कर रही है या फिर बदलाव चाहती है, क्या नजर आता है आपको विवेक? फिलहाल नहीं है दीपिका, लेकिन चूंकि अयोध्या में अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं और 2-3 साल तक ये काम चलना है तो बहुत कुछ अस्त व्यस्त है, और अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले परमहंस आचार्य वो यहाँ पर वोट देने के लिए आए हुए हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास और उनसे समझते हैं कि आखिर क्या है अयोध्या की जनता के मन में।
परमहंस जी हमारे साथ है और अक्सर आप इनको तमाम बाइट्स इनकी और टीवी चैनल्स पर देखते होंगे। महाराज जी क्या स्थिति है इस बार? देखिए अब लोग जो है अंतिम में घूम फिर करके भाजपा में चले जाते हैं। देखिए अंतिम में क्यों, मतलब इसका मतलब पहले दूसरे चरण में कुछ दिक्कत है? थोड़ा दरअसल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जो है चयन करते हैं, चयन सही नहीं कर पाते हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी होता है जय सीताराम। और जिसको प्रत्याशी को चुना जाता है वो प्रत्याशी इतना घमंड में रहता है, सोचता है कि मोदी या योगी के नाम पर जीती जाएंगे, लेकिन आखिरी में वोट उसी को दे देते हैं, गाड़ी दे के देना पड़ता है। अच्छा मुद्दा क्या है महाराज, क्या यहाँ पर जनता अभी चाहती है, क्योंकि विकास हो रहा, बहुत सारी अस्त व्यस्तता है यहाँ पर, तो क्या अभी लोगों के मन में है? आपके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ दरअसल में लोग थोड़ा सा नाराज तो हैं, लेकिन काम जो हो रहा है काम अच्छा हो रहा है। देखिए जब कोई पुराना घर तोड़ करके नया बनाया जाता है तो थोड़े दिन समस्या होती है, लेकिन उसके बिना दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। तो ये जो रोड चौड़ीकरण इत्यादि हो रहा है तो कहीं ना कहीं से लोगों को थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है और अच्छा है, थोड़े दिन के बाद में सब अच्छा हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो जैसा अयोध्या में ये एक बड़ी समस्या है, 14 किलोमीटर का एक हाईवे बन रहा है, एक सड़क बन रही है, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से हुआ यह है कि दोनों तरफ के जो घर थे या दुकानें थे उनको तोड़ा गया है, उनको उनका अधिग्रहण किया गया है एक तरह से, उसको लेकर के लोगों में भारी नाराजगी। हालांकि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत गई थी। लेकिन ये जो चुनाव है वो पार्षद का चुनाव होता है, बहुत माइक्रो लेवल पर वोटिंग होती है यहां पर इस चुनाव में, इसलिए इन समस्याओं का सबसे ज्यादा है। बिल्कुल निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा हमने लगातार देखा है, किस तरीके से बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन समस्या ये है कि जो पार्षद होते हैं या फिर स्थानीय नेता जो होते हैं उनका जो सीधे जनता से सरोकार होना बहुत जरूरी हो जाता है, और यूं कहें कि फेस जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कानपुर वापस रुख करते हैं जी। राहुल जरा आप बताइए, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि जनता में क्या होता है कि यदि हम पार्षद चुनाव की बात करते हैं या बहुत माइक्रो लेवल के चुनाव की बात करते हैं, तो जो फेस होता है ना वो फेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है वो, इसलिए क्योंकि जनता सीधे सरोकार होता है। आप मंत्रियों से मुलाकात नहीं कर सकते, आप विधायकों से बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, लेकिन पार्षदों से आप बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो पार्षद वही सक्सेसफुल हो पाएगा जो काम करेगा, जनता के बीच पहचान बनाएगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल दीपिका, चूंकि ये चुनाव जो होता है ये कहीं ना कहीं पार्षद प्रत्याशी का जो चुनाव होता है ये व्यक्तिगत जनता के मुद्दों से जुड़ा चुनाव होता है, और जनता ये चाहती है कि ये जो पार्षद बने वो बिल्कुल हमारे बीच का बने और जिससे हम सीधे रूबरू हो सके, जिसके पास हम अपनी सीधे शिकायतें लेकर जा सके। तो इस पे पार्टी बेसिस का जो चुनाव होता है उसकी कम बहुत संभावनाएं रहती है, चूंकि जिस तरीके से पार्षदी का चुनाव होता है तो उसमें जनता सीधे अपने नेता को चुनना चाहती है, सीधे अपने मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं पार्षद तक पहुंचाने चाहती है। तो ये बड़ी बात है कि जनता किस मुद्दों पे, किस तरीके के डेवलपमेंट पे बात करना चाहती है, किस डेवलपमेंट पे वोट करना चाहती है, ये सारी चीजें जो है देखकर ही जनता पार्षदी के चुनाव में वोट जाहिर करती सी है। बात है। राहुल जरा हैदर अली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। हैदर जरा गाजियाबाद का हाल बताइए, वहां की जनता क्या चाहती है? और 7 बजे यूं कह सकते हैं कि 7:20 हो गए हैं, 20 मिनट से यहां पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या हाल है पोलिंग बूथ का? देखिए दीपिका, अगर गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में जो मतदान है वो अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जो पोलिंग एजेंट थे उनके न आने की वजह से, क्योंकि उनकी सामने ही है ना मशीनों को पैक किया जाता है, क्योंकि जो मोहर लगती है उनके साइन होते हैं उसके अंदर। उसके बाद कुछ मशीनें यहाँ पर खराब भी आई हैं, जिसकी वजह से लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं, लोगों के अंदर निराशा है, लोग परेशान हैं कि इससे पहले ही उन्होंने इससे दुरुस्त क्यों नहीं की गई व्यवस्था जो है। और यही बात अगर की जाए तो लोगों के अंदर एक उत्साह है कहीं ना कहीं, जो गाजियाबाद के अंदर ये गली मोहल्ले का चुनाव है, जो लोग खासकर भी अपनी मूलभूत सुविधाएं उनकी गली मोहल्ले की होती है उसको लेकर इसमें वोट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो जागरूक है और लगातार सुबह से ही यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है वोट डालने के लिए। और मैं आपको बता दूं ये मतदान केंद्र पे मैं खड़ा हुआ हूँ, पुलिस की भी व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ पर लगे हुए हैं, पुलिस जो है गश्त कर रही है, मोबाइल फोन ले आने का प्रतिबंधित है बूथ के अंदर, ताकि कोई सेल्फी ना ले ले, ये सेल्फी लेकर वायरल ना करते, पारदर्शिता तरीके से इसको चुनाव कराया जा रहा है। जी दीपिका। हैदर आप गाजियाबाद से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, तो गाजियाबाद का जरा और हाल बताइए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो
और गाजियाबाद में देखा है कि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, मुंह बाहें खड़ी होती हैं, चाहे हम यूँ कह सकते हैं कि पानी की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, कैसे निजात लोगों को मिलेगी, क्या लगता है एक बयान आपको बदलाव की नजर आ पाती है यहाँ पे? देखिए दीपिका, गाजियाबाद के अंदर 25 साल से नगर निगम में जो बीजेपी का कब्जा है, हाँ। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद में मूल सुविधा जो है, खासकर भी जो सबसे बड़ी समस्या है वो डंपिंग ग्राउंड की है, जहाँ कूड़ा निस्तारण के लिए बहुत बड़ी समस्या यही है लोगों की। और उसके बाद अगर बात करें तो एक मूल जो लोगों को यहाँ पर स्वच्छ पानी के लिए है, जो पीने का पानी है, हाँ। उसकी बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, हाँ। उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों ने कई आंदोलन करे हैं। विपक्षी हाँ। पार्टियों ने इस पूरे चुनाव में खासकर बीजेपी को घेरा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीवर ओवरफ्लो की समस्या, हाँ। जल भराव की समस्या सबसे बड़ा मेन कारण है गाजियाबाद के अंदर, हाँ। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो 25 साल से बीजेपी का कब्जा होने के बाद विपक्ष ने इसको भुराने की कोशिश करी, विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की कोशिश करी। लेकिन इस बार जो सुनीता दयाल को जो टिकट दिया गया है, तो उसमें खासकर सुनीता दयाल ने यह कहा है कि उन्होंने खुद भी कबूल किया है कि नगर निगम में कमीशन खोरी भी ज्यादा चलती है, इसके अंदर धांधलेबाजी चलती है, उसको लेकर भ्रष्टाचार भी है इसके अंदर नगर निगम के अंदर, उसको खत्म किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जो इससे पहले भी सरकारें जो बीजेपी के मेयर रहे हैं, तो उन्होंने खासकर भी काम नहीं करा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बदलाव के लिए लोगों को बदलाव चाहती है। बिल्कुल, और आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने यूपी मंत्री से क्या खास बातचीत की है, जरा जानिए। नरेंद्र कश्यप जी हैं यूपी सरकार के मंत्री। नरेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट कास्ट कर रहे हैं? विकास, रोजगार, सुधार, समृद्धि, ये सारे मुद्दे हमारे चुनाव के हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश प्रदेश की जनता ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में भी बहुत भारी समर्थन हमें मिलने वाला है। हम 53 जिले की सरकार बनाकर अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले हैं, क्योंकि आज मतदान का दिन है, बड़े गौरव का दिन है, तो आज हमें मतदान करना है, उसके बाद बाकी बात। छोटे चुनाव होते हैं, वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये हावी रहते हैं, आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? निश्चित, शहर के जो सफाई के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे एक मुद्दे हैं, लेकिन हमारे पार्टी की सरकार ने शहरों में भी विकास पर पूरा ध्यान दिया है। गाजियाबाद हमारा यूपी का नंबर 1 पे आया है, ये और आगे हो इसकी हमारी कोशिश। 1996 से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लगता है कि ये इसी तरीके से बरकरार रहने वाला? निश्चित, उससे भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मेयर हमेशा बनता रहा, आगे भी हमारा मेयर बनेगा, हमारे पार्षद बनेंगे, कितने मतों के अंतर जीतेंगे ये विषय एक बात। किस पार्टी से टक्कर देंगे? मेरे ख्याल से टक्कर किसी से भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है। बिल्कुल, नरेंद्र कश्यप जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, सीधे तौर पर कहा कि गाजियाबाद में बीजेपी का दबदबा यूं ही कायम रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। तो नगर नगर पर हमारी नजर रहेगी, आज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।